युवा कवि सम्मेलन है और यहाँ ज्यादातर कवि सब नवांकुर है, तो उनके बारे में मैं चार पंक्तियां मैं मानसी द्विवेदी को बुलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि नवांकुर है ये कविता के, नवांकुर है ये कविता के, तुम्हें अनमोल पल देंगे ये अपने काव्य के जरिए, समस्याओं के हल देंगे जो इनको नेह से सींचोगे, इनका ध्यान रखोगे तो कल ये वृक्ष बनकर छांव देंगे फूल फल देंगे, तो कल ये वृक्ष बनकर छांव देंगे फूल फल देंगे। आइए मानसी द्विवेदी, गीत गजल और आप सबकी तालियां। इस गौरवशाली मंच को प्रणाम करती हूँ। सामने बैठे हुए आदरणीय मंगल नसीम जी, आदरणीय गुणवीर जी, आदरणीय सचिव साहब, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और इतने अच्छे श्रोता, इतना बढ़िया संचालन, सारे लोग इतना बढ़िया सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने लिए तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। हम तो बैठ के यही सोच रहे थे कि कभी सम्मेलन कहीं का भी हो लेकिन श्रोता यही होने चाहिए। बढ़िया है, बढ़िया है। सबसे पहले इस खूबसूरत शाम के नाम एक मुक्तक देती हूँ। सुहानी शाम माँ का खास हो हर दम नहीं होता, सुहानी शाम माँ का खास हो हर दम नहीं होता, ये बादल भी गरजता तब के जब हम दम नहीं होता, ये बादल भी गरजता तब के जब हम दम नहीं होता, ये बादल भी गरजता तब के जब हम दम नहीं होता, इसे संयोग ही कह लो के हम भी तुम भी और मन भी, इसे संयोग ही कह लो के हम भी तुम भी और मन भी, कभी तो तुम नहीं होते कभी मौसम नहीं, तुम नहीं होते बहुत अच्छे मानसी, कभी मौसम नहीं होता। और अच्छा तो तुम भी हो। चलिए फिर आपकी ही बात करते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी प्रेमिका आपसे चाहती क्या है, दो टूक में सुनिए। मोहब्बत की ये मन चाही निशानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं। वाह 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 कर रहे हो, रखते हैं चार चार गर्लफ्रेंड। मोहब्बत की ये मन चाही निशानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं, कभी मैं रूठ कर जाने लगूं जाने न तुम देना, तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती, वाह 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 वाह, तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं। मैं तो पढ़ने वाली कुछ और थी लेकिन आप लोगों का उत्साह और समर्थन देखते हुए आपके मन की बात कर रही हूँ कि सीता। अच्छा पहले मैं अभी आपने चर्चा की थी कि समाज से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां पढ़ दूं, तो मैं कुछ शेर पढ़ती हूँ कि शरीके जुर्म था अच्छा फिर भी न साबित हो सका मुजरिम। वाह वाह, आदरणीय सलमान जी को बीच में रखिएगा और मेरे शेर सुनिएगा। कि शरीके जुर्म था फिर भी न साबित हो सका मुजरिम, अदालत अदालत तू भी तो बिकने पे आई सच कहा जाए। वाह 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 वाह, शरीके जुर्म था शरीके जुर्म था फिर भी न साबित हो सका मुजरिम, अदालत तू भी तो बिकने पे आई सच कहां जाए। और उसके बाद हमारे बॉम्बे से सीधे हमारे यूपी में आइए कि जो कहता है कि ये दुष्कर्म है गलती जवानी की। आप लोग बड़े समझदार श्रोता है, बिना नाम ले ही जान जाते हैं। जो कहता है कि ये दुष्कर्म है गलती जवानी की, कई पीढ़ी का वो कचरा दिमागी पच कहां जाए। और सुनिएगा कि सियासत है चरम पर, हमारे यूपी में तो ऐसा ही है, यहां पता नहीं क्या है, कि सियासत है चरम पर हर गली में 8-10 नेता। अच्छा सियासत है चरम पर हर गली में 8-10 नेता, ऐसे में भला इंसान आखिर बच कहां जाए।
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और सुनिएगा कि जवाहर बाग, जवाहर बाग तूने जिस सुहागन को किया विधवा, वाह 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 वाह, जवाहर बाग तूने जिस सुहागन को किया विधवा, भला अनुदान के पैसों से मेहंदी रच कहां जाए। वाह 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 वाह, जवाहर बाग तूने बहुत खूब बहुत खूब मानसी, भला अनुदान के पैसों से मेहंदी रच कहां। बहुत खूब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और तालियां बजाने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि हमारी सांसें, हमारे दिन, हमारी खुशियां सब गिन के मिलती हैं, वैसे ही हमारी तालियां भी गिन के मिलती हैं। और अगर आपने तालियां कम बजाएं तो हो सकता है एक जीवन ऐसा लेना पड़े जिसमें घर घर जाके तालियां बजानी पड़े। तो अब हम आप पर छोड़ दें कि आप क्या चाहते हैं, इसी जन्म में बजा के मुक्ति पाते चाहते हैं या फिर बजाते ही रहेंगे। हाँ, सीता के लिए आदरणीय गुणवीर राणा जी ने कहा है, तो मैं अयोध्या से हूँ और सीता की चर्चा ना करूँ तो ये बात बेमानी होगी। एक क्षण से शुरुआत करती हूँ। खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के राज रनिवास में सवारी गई जानकी। वाह। खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के राज रनिवास में सवारी गई जानकी। आई बहु बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। और विधि का विधान परिधान वल कल वल, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि रावण का राज नहीं राम जी के राज में ही, अपने ही घर से निकारी गई जानकी। रावण का राज नहीं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रावण का राज नहीं राम जी के राज में ही, अपने ही घर से निकारी गई जानकी। और अयोध्या में लोग आते हैं सरयू में स्नान करके पाप मुक्त होते हैं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है कि नारी गुहारी सुनी न गई, भला कैसे रही यह सोई अयोध्या। नारी गुहारी सुनी न गई, भला कैसे रही यह सोई अयोध्या। आकुल व्याकुल प्राण हुए नहीं, थी किस राग में खोई अयोध्या। औरों के पाप तू धोती रही, सरयू निज अंक संजोई अयोध्या। पर सीय प्रसंग रहेगा जहां तक, होगी ना दूध की धोई अयोध्या। जहां तक होगी ना दूध की धोई अयोध्या। और उस गीत की चर्चा हो रही थी तो मैं उस गीत पर आती हूँ। मैंने लिखने की कोशिश की है कि जब भगवान राम ने सीता जी से कहा होगा कि आप लव और कुश को लेकर पुनः अयोध्या चलिए, तो आखिर सीता जी ने कुछ तो कहा होगा। तो मैं वो गीत सुनाती हूँ। लेने मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु, लेने मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु। जब दुख में जीवन गल गया, आए तो क्या आए प्रभु। लेने मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु। जब दुख में जीवन गल गया, आए तो क्या आए प्रभु। वाह, हमें लग रहा है ये विषय युवा साथियों के लिए बड़ा गंभीर है, क्या समझ नहीं आ रहा है या फिर जानबूझ के नहीं बजा रहे। तालियां आप बजाते रहिए ताकि हमें ये लगे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप आपकी समझ में सब कुछ आ रहा है। आप नहीं बजाएंगे तो हमें लगेगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए बंद देती हूँ जी, स्वागत। तुम ही कहो श्री राम अब वापस भला क्यों जाऊंगी, जलती जहां हो प्रेम प्रतिमाएं भला रह पाऊंगी। कोई नहीं आता गुहारी चीखती अबला रहे, उस पर उधर सुख धाम में बजता मृदंग तबला रहे। बारहा झांका झरोखा, बारहा झांका झरोखा, तुम न दिखलाए प्रभु, तुम न दिखलाए प्रभु।
जब दुख में जीवन गल गया, आए तो क्या आए, मैंने मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु। कुछ श्रोता है जो तालियां बजा रहे हैं, बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। याद पर बस आ ही जाती, स्वप्न में पूछा कि मेरे, इस बंद को सुनिएगा और संवेदना की हद तक मैंने जाने की कोशिश की है कि याद पर बस आ ही जाती, स्वप्न में पूछा कि ये दो मुझे तरकीब भी, मेरे बिना कैसे जिए, पेट में लव भूख से, पेट में लव भूख से तड़पे मगर हम सो लिए, पेट में लव भूख से तड़पे मगर हम सो लिए, जब दिखी लाचार बन के जीव संग में रो लिए, पांव भारी थे, पांव भारी फिर भी चलते दूर तक आए प्रभु, दूर तक आए प्रभु, जब दुख में जीवन गल गया, आए तो क्या आए प्रभु, मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु। और इसका अगला बंद निवेदित करती हूँ कि उस प्रसव पीड़ा में तुमसे भी अधिक क्या याद था, तुम नहीं थे पर तुम्हारी याद से संवाद था, उस प्रसव पीड़ा में तुमसे भी अधिक क्या याद था, तुम नहीं थे पर तुम्हारी याद से संवाद था, पेट सहलाया कभी फिर भाग्य को कोसा कभी, पेट सहलाया कभी फिर भाग्य को कोसा कभी। और सीता जी बहुत परेशान होके कहती हैं कि जब छूटते उच्छ्वास थे, जब छूटते उच्छ्वास थे तब तो न सुधियाए प्रभु, तब तो न सुधियाए प्रभु, जब दुख में जीवन गल गया, आए तो क्या आए प्रभु, ने मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु। और इसका अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। लोग कहते हैं कि मायका और ससुराल दोनों धनाढ्य हो तो लड़कियों का जीवन बड़े ऐश्वर्य से कटता है। मैंने उस पक्ष को रखने की कोशिश की है जिस घराने में ससुराल और मायके में मिलाकर चार चार राजा हों, उस परिवार की सीता की ये दशा कि प्रिय ससुर जी तात श्रीमन और भरत चारों ही नृप, एक सीता के लिए ना ठौर दे पाया कोई, प्रिय ससुर जी तात श्रीमन और भरत चारों ही नृप, एक सीता के लिए ना ठौर दे पाया कोई, फूल के हाथों पली फिर शूल पर चलना पड़ा, फूल के हाथों पली फिर शूल पर चलना पड़ा, क्या विवशता थी भला आके ना पुनाया कोई। और सीता जी एक शिकायत करती है भगवान राम से कि मैं तो गई वनवास संग, सुनिएगा, कि मैं तो गई वनवास संग, तुम क्यों न संग आए प्रभु, तुम क्यों न संग आए प्रभु, जब दुख में जीवन गल गया, आए तो क्या आए प्रभु, लेने मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु, जब दुख में जीवन गल गया, आए तो क्या आए प्रभु। बहुत बहुत खूबसूरत गीत मानसी, बहुत बधाई इसके लिए, एक बार जोरदार तालियां।